वहीं रामगढ़ विधानसभा से आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के लिए आजसू कार्यकर्ता सुबह से ही जनसंपर्क अभियान में निकल पड़ते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आजसू में वंशवाद की राजनीति नहीं चलती। रामगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से उनकी राय ली हमारे सहयोगी मनीष झा ने। अभी हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सुनीता चौधरी यहाँ की प्रत्याशी है और उनके लिए यहाँ के जो अगर कह सकते हैं कार्यकर्ता आजसू के जो है शाम तक डटे हुए हैं और यहाँ पे ही रणनीति बना के वो दिन भर प्रचार करते हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछते ही है कि क्या तैयारी रहती है आज दिन भर की उनकी, और जितने भी कार्यकर्ता हैं हम उनसे राय लेते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि सुबह से कितने बजे से तैयारी रहती है? देखिए जहाँ तक बात है हम लोग सुबह के बात है, हम लोग रात भर सोते ही नहीं है। रात दिन हमारे कार्यकर्ता हर घर घर जाके हर महल्ले जाके जनता को जागरूक करने का और अपने विकास कार्य जो हमारे माननीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी उनके द्वारा किए गए कार्यों को बता के और उनके कार्य के नाम से वोट मांगने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें तो जो आपके सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी भाजपा थी, अब वो आप लोग से अलग हो चुकी है, क्या कोई परेशानी आती है चुनाव प्रचार करने में? कभी नहीं। रामगढ़ विधानसभा में आंसू ही एक ऐसी पार्टी है जो एकली पार्टी और आंसू यहाँ की लगभग जनता आंसू ही है, दूसरी कोई पार्टी ही नहीं है, तो परेशानी क्या आएगी? और हमारे तरफ से तो बहुत ही मजबूत तरीके से हम लोग इस विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। लेकिन ये वंशवाद को बढ़ावा देने की बात करें, बार बार जो विपक्ष आपके कांग्रेस हो चाहे भाजपा भी इस बात को दोहरा रही है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो वंशवाद को आगे बढ़ा के यहाँ पे जनता को बरगलाने का काम करें। ये देखिए ये सब चुनावी रणनीति है, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है और हर कोई चुनाव में चाहता है कि हम अपना प्रत्याशी का बढ़ावा दें, और ये सब ये मैंने छोटी बात है, ये सब की बातें हम लोग को बिल्कुल नहीं। वंशवाद ये जो सब है ये सब मनगढ़ंत बात है। क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि हमारे वंश में ताकत हो तो वंशवाद कहाँ। भगवान दशरथ के बाद रामचंद्र जी का राज आया था ना, तो जब रामचंद्र जी उस लायक थे, माँ सीता साथ में थी, जब सीता उस लायक थी तभी लेके गए, तो वंशवाद वाली कोई बात ही नहीं है। अरे हम गांधी जी वाली बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ गांधी जी परिवार जो कर रहा है, हमारे वंश में हमारे परिवार में वो काबिलियत है कि हम उसको अपने विधानसभा का उस कार्य को जो अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करने की मेरे परिवार में ताकत है, तो निश्चित तौर पर हम अपना वंशवाद वाली कोई बात ही नहीं है। उसी को कार्य को बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी को टिकट दिया गया है। अगर यहाँ की समस्या की बात करेंगे तो क्या लगता है किस कौन सा समस्या जो अगर सुनीता चौधरी जीत के आती है जो यहाँ क्षेत्र का विकास के लिए होगी? विकास विरोधियों को कभी नहीं देखेगी, उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो चुकी है। और अगर रोड बनाना विकास नहीं है, बिजली की व्यवस्था कराना विकास नहीं है, शिक्षा अगर देना विकास नहीं है, तो विकास की परिभाषा उससे बेहतर हम लोग नहीं बता सकते हैं। और ये जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाते हैं लोग कि वंशवाद है, भाई भतीजावाद है, यहाँ जनता का ऐसा विचार आया था उसके बाद प्रत्याशी को उतारा गया है, जो कि सुनीता चौधरी शिक्षिका थी, वो संपन्न भी थी, कमा भी सकती थी, उसके बावजूद उन्होंने क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए उन्होंने त्याग का भावना का जो अपने आप को जो स्थापित किया है, इनको पता कुछ नहीं है, ये लोग जानते ही कुछ नहीं है। विपक्ष का लोग ये सब आरोप लगातार लगाते रहते हैं। ये थे हमारे साथ आजसू के कार्यकर्ता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने पूरी आश्वस्त के साथ कहा कि इस बार सुनीता चौधरी की जीत अवश्य यहाँ से होगी और उन्होंने जो विकास का कार्य किया वो 5 साल फिर विकास के कार्य रामगढ़ की जनता के लिए करेगी। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ ओंकार वामी के लिए मनीष झा रामगढ़।